जिंदगी की यही है कहानी, हर पल हर वक्त समय की ही कहानी। ये ना रुका है ना रुकेगा, ये वक्त है साहब ऐसे ही चलता रहेगा। तो सभी लोगों को 2024 की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस नए साल पर आप लोगों के सामने दो बातें कहना चाहूँगा और इस पर आप टिप्पणी भी करना। 2023 किसी के लिए ये साल बहुत ही अच्छा गया और किसी के साथ ये साल बहुत बुरा लाया था। ये साल भी चला जाएगा, 2024 में जब आप आएंगे, जिन जिन को ये देखने को 2024 मिला है वो खुशी के साथ उसको एंजॉयमेंट करें, क्योंकि हो सकता है कि 2024 आपको मिला है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है आपको जो 2024 मिला, और इसको आप एंजॉयमेंट बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको 2024 देखने को भी नहीं मिला। किसी के साथ ये साल भी बहुत अच्छा जाएगा और हो सकता है किसी के साथ बुरा भी जाए, क्योंकि समय एक ऐसा पहिया है जो किसी का इंतजार नहीं करता है, समय खुद अपना इंतजार नहीं करता है, तो हम और आप क्या हैं। प्रकृत का नियम ऐसा ही है जो उन्होंने समय को बनाया है। समय के साथ चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, सुख और दुख आते रहते हैं। कोई आपके साथ जो 2023 में था शायद आज ना हो, वही हो सकता है 2024 में भी आपके साथ हो और आप बहुत ही प्रसन्न हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी 2023 में गर्लफ्रेंड थी लेकिन 2024 में, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 31 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को विश करने के लिए फ़ोन पे, कॉल पे या व्हाट्सएप पे लगे होंगे और सोच रहे होंगे कि कितनी जल्दी 2024 आए और कहाँ पार्टी इंजॉय की जाए, इसके बारे में प्लानिंग भी कर रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब बस एक ही है कि जितने लोग, जो भी व्यक्ति 2024 में अच्छा मिला है वो एंजॉयमेंट करें, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है 2023 में वो भी एंजॉयमेंट करें, और 2024 को बेहतर बनाने के लिए भरसक प्रयास करें। जो आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो आप खाना चाहते, पीना चाहते, घूमना चाहते, सारा कुछ आप एंजॉयमेंट करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे का समय आपके पास ना हो। इस समय कब किसके साथ क्या कर दें किसी को पता नहीं होता है। तो 2023 बेहतर गया या नहीं इसे छोड़कर आप 2024 में बेहतर करने की कोशिश करें। आप बहुत मेहनत करें, जितनी आप में क्षमता है 2024 उस चीज को पाने के लिए लगा दें, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको वो चीज मिलनी है तो आप भरसक प्रयास ना करने पर भी मिल सकती है, लेकिन अगर आपको प्रकृति ने नहीं देने का निर्णय लिया है, कितने भी हाथ पैर मार लीजिए आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अगर जो चीज मिली है उसमें भी खुश रहें, जो चीज नहीं मिली है उसमें भी खुश रहें। आपको खुशी कहाँ मिलती है, आपका मन प्रसन्न कहाँ रहता है, उस चीज को हमें देखना चाहिए। हालांकि सबके जीवन में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई उतार चढ़ाव लगा रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना लगा रहता है, लेकिन वो समय भी बीत जाता है और आगे आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है तो इसमें आप अपनी इच्छाओं के प्रति संकोच ना करके उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी प्रवृत्ति रखेंगे, तो हो सकता है पुनः मनुष्य जीवन आपको मिले। क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में सोचते जरूर होते होंगे कि शायद मैं आज मनुष्य होता तो मैं जो चाहता वो खा सकता, मैं जो चाहता वो पी सकता। अभी आपको मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन बहुत ही नेक कर्मों के बाद प्राप्त होता है, तो उसको एंजॉयमेंट। इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कुछ पल ऐसे भी होंगे जो शायद विचलित करते हैं, लेकिन वो विचलित पल जो होते हैं धीरे धीरे कट जाते हैं और खुशियों के पल भी आ जाते हैं। हर एक इंसान दूसरे इंसान को भूल जाता है। कितने ऐसे व्यक्ति होंगे कि अपने पूर्वजों को याद करते होंगे दीपावली, होली, या हो सकता है छोटे मोटे फेस्टिवल पर साल, दो साल, तीन साल, उसके बाद कोई किसी को नहीं याद रखता है। हमें और आपको भी कोई नहीं याद करने वाला होगा,
तो ये जो जीवन मिला है इसमें सबसे अच्छे कार्यों को जो जितना हो सके करने की कोशिश करो। और कभी हमें एक चीज का जो है वो नहीं करना चाहिए, वो है घमंड। घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। और घमंड तीन तरीके से लोगों को होता है, मैं बता दूं कौन कौन से तरीके वो हैं। सबसे पहले धन का लोभ और धन का घमंड। मैंने देखा अक्सर आजकल लोग धन का लोभ इतना कर लेते हैं कि वो किसी को मार पीट सकते हैं, मार काट सकते हैं, किसी से चोरी बेईमानी डकैती भी कर सकते हैं। और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो उन्हें लगता है वो सर्वोपरि हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि आप अपने आप को जितना सर्वोपरि समझ रहे हैं, उनसे कितने गुना ज़्यादा पैसे कमाए हुए लोग, कितने भी धनी व्यक्ति पुराणों से लगा करके अब तक के सारे जमीन के अंदर दफन है, मिट्टी में मिल चुके हैं, सारी प्रकृति उनको अपने अंदर समा चुकी है। ब्राह्मण को भी बहुत ऐसा ही घमंड था, उसको बल का था, धन का था और ज्ञान का था। इस वजह से उसने भी अपना सब कुछ गवा दिया, पूरा साम्राज्य गवा दिया, 100 पुत्र थे वो भी गवा दिए, इसके साथ ही साथ अपनी लंका तक भी गवा दी थी। तो धन के बाद में आता शारीरिक घमंड, जो शारीरिक लोगों को घमंड हो जाता है कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। इस चीज़ का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में कब कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाए किसी को नहीं पता होता है, इसलिए शारीरिक घमंड हमें नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली में एक अफ्रीका के रेसलर्स थे, उनको भी इस चीज़ का बहुत घमंड था कि मुझे बहुत पावर है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन आज वो चलने के लिए किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं। तो शारीरिक बल भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो बौद्धिक घमंड करते हैं, जिसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए वाली वो प्रवृत्ति होती है, और लोग अपने आप को महान समझने लगते हैं और समझते हैं कि वही सब कुछ है, किसी को आदर मान सम्मान देना नहीं समझते हैं। क्योंकि जो प्रकृति ने बनाया है झुकना, अगर आप झुकते नहीं किसी के सामने तो आप जल्दी टूटते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो डाल होती है अगर जो झुक जाती है वो नहीं टूटती, लेकिन जो डालें झुकती नहीं वो जल्दी टूट जाती हैं। तो आपके जीवन में लचीलापन होना बहुत ही जरूरी है। आप अपने आप को लचीलापन बनाकर रखें जीवन के अंदर। किसी के लिए आप बेहतर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के साथ बुरा भी ना करें। ये जीवन खुशियों से भरा तभी रहेगा जब आप किसी को खुशी देते हैं। आप एक बार किसी गरीब के लिए कुछ करके देखिए, आपको सच में बहुत खुशी मिलेगी। किसी जानवर के लिए आप कुछ करके देखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और वो हमको लगता है एक हैप्पीनेस नहीं होती है, वो हमें आनंद प्रदान करता है, आनंद उससे मिलता है। और वो आनंद जो होता है वो अंदर से मिलता है। आप किसी चीज़ को जैसे आप किसी चीज़ को परचेस करना चाहते तो एक वो हैप्पीनेस होती है, लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ देते हैं और आपके अंदर आंसू आ जाते हैं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, वो आनंद होता है। और उसको भगवान हमेशा सुख समृद्ध बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने घर को बिगाड़ कर किसी के लिए कुछ भी करें, लेकिन आपको जितना अगर हो सके उतना आप कर सकते हैं। पहले अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, उसके बाद में किसी चीज़ को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस नववर्ष पर आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि इस नववर्ष पर हंसते खेलते इस 2024 को बिताएं, इंजॉय करें, अपनी लाइफ में एक एम बनाकर चलें और उस एम को पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक एम नहीं तब तक जीवन नहीं। और इसी के साथ ये वीडियो को मैं अंत करता हूँ। आप लोगों को एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।